हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और यह ना सुबह सुबह का टाइम हो रहा था और चिड़िया डेली ना जंगले पे आके बैठ जाती है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। और शीशे में अपने आप को देखती रहती है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी आती हैं लेकिन ना यहाँ पर बैठने का जगह नहीं है, और ना ही मैं मतलब उसमें जंगले में तो फंसा देती हूँ खाने वाने का। उसके बाद से ना दोपहर के टाइम में हम लोग थोड़ा सा चले गए थे मार्केट, कुछ काम था मार्केट में, तो वही मैं चली गई थी। तो अनु कह रही मम्मी थोड़ा सा वीडियो बना लो, क्योंकि ना और भी लोग जा रहे थे ना, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो बनाते हुए चलते हैं, बट ना मेरे को शर्म सी आती है इसलिए मैं बना नहीं पाती हूँ। और उसके बाद से मैं आ गई थी घर। घर आने के बाद से मैं मंगाई थी दूध, जो कि गर्म करना था, दूध गर्म नहीं था, उधर दूध गर्म हो रहा है। और यहाँ पे अंश ना केक बना रहा था चॉकलेट का, और यहाँ पे मैं अभी खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। प्याज वगैरह काट ली हूँ सारी, अभी तैयारी कर रही हूँ। अभी यहाँ पे ये मटर है जो कि मैं लेके आई थी, यहाँ पे खूब सारा प्याज ले ली हूँ, लहसुन ले ली हूँ, अदरक और हरी मिर्च, टमाटर दो बड़े साइज का लेके ना यहाँ पे सारा तैयारी कर ली हूँ। उसके बाद से मैं कुकर में डाल ली हूँ तेल, और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी प्याज भी बिल्कुल बारीक बारीक ना दो बड़े साइज का काट ली हूँ। यहाँ पे मैं ये निमोना बनाने जा रही हूँ, थोड़ा सा अलग टाइप का, हर बार जैसे बनाती हूँ वैसे नहीं बना रही हूँ। यहाँ पे तेल गर्म हो गया था ना, तो जीरा और हींग डाल के बाकी सारा कुछ मैं एक साथ ही डाल दी थी, अदरक लहसुन और प्याज वगैरह एक साथ ही डाल के ना मैं इसको फ्राई कर लूँगी। उसके बाद से थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो मैं डालूँगी इसमें टमाटर। टमाटर डाल के ना थोड़ी देर चलाएंगे, 1 से 2 मिनट। उसके बाद से इसमें मसाले डाल देंगे, नमक, हल्दी और धनिया पाउडर 2 चम्मच के करीब धनिया पाउडर डाल दी थी मैं। और इसको ना भूनेंगे, चलाते हुए ना भून लेंगे इसको ढक ढक के। और यहाँ पे ये नमक डाल दो ना तो जल्दी से ये गल जाता है। उसके बाद से लास्ट में डाल दी थी गर्म मसाला 6 चम्मच से, आधा चम्मच के करीब गरम मसाला डाल के 1 से 2 मिनट में इसको भी पकाई थी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ना साबुत ये मटर रखी थी थोड़ा सा, तो वो भी डाल दी हूँ। और इसका कलर इतना अच्छा आया हुआ था ना, मैं दिखा रही हूँ लेकिन अच्छे से दिख नहीं पा रहा है। और यहाँ पे ये मसाले भून गए हैं, बिल्कुल अच्छे से भून चुके हैं। इसमें ना मैं थोड़ा मटर ये पीस ली थी, मटर ज़्यादा नहीं था, जितना था मैं उतने का ही बनाई थी, और बहुत टेस्टी बना था। इसको भी, मटर को भी ना भूनना है थोड़ी देर, इसको भी भूनूंगी। मटर को भी 4 से 5 मिनट भूनी थी डाल के, जो पिसा हुआ मटर था कलर बहुत अच्छा है हुआ था बहुत। और यहाँ पे भून गया था ये पूरा अच्छे से, तेल ना सेपरेट हो गया था, तो मैं इसमें डाली हूँ पानी। पानी डाल के ज़रूरत के अनुसार ना पानी डाल के बस इसको धीमी आँच करके पकने देंगे। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस पकता रहेगा ये धीमी आँच करके। और इसमें काफ़ी टाइम लग गया था, 20 से 25 मिनट टाइम लग गया था, क्योंकि इसको पकने में बहुत टाइम लगता है कलर चेंज होने में। और यहाँ पे मैं अंदर चली गई थी, कुछ काम था, तो यहाँ पे दाल जो है कि थोड़ा सा गिर गया था। और यहाँ पे हमारा थाली लग चुका है, दाल बहुत टेस्टी बना हुआ था, बहुत टेस्टी, आप लोग ट्राई कीजिएगा। ऐसे मसाला वगैरह कुछ पीसी नहीं थी मैं, बस सिंपल सा बनाई थी लेकिन बहुत अच्छा लगा था। प्याज वगैरह ना मैं खूब सारा डाल के बनाई थी, पहली बार बनाई थी ऐसे, वरना एक प्याज पीस लेती हूँ मसाले में, और इस बार तो मैं चॉप करके ही प्याज वगैरह डाल दी थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे बच्चे ना खेल रहे हैं, बॉटल से ही लोग खड़ा कर रहे हैं। अभी क्या है ना, पेपर ख़त्म हो गया है, छुट्टियाँ पड़ गई हैं, तो घर ही में हैं ये लोग, कुछ काम नहीं है अभी तो इन लोगों के पास।